जो तुमने कपूर के बारे में बताया क्या ये सब सच है? कान्हा जी की कसम बाजी, जो कुछ भी मैंने कहा है सब सच है। तो तुमने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? आप सब लोगों को जान से मारने की धमकी दी थी उसने। हम दोनों तो डर गए थे, लेकिन फिर जब ऐसा लगा कि वो आप सबकी नजरों में मुझे और अभी को गिराना चाहता है और आप सबका विश्वास पाने की कोशिश कर रहा है, तो हमें लगा कि ये जरूर उसके प्लान का हिस्सा है। उस दिन हमने कहा कि उसको उसके इरादों में कामयाब नहीं होने देना हमने, इसलिए सच सबके सामने आना जरूरी था। और माँ जी, उस दिन शराब मैंने अभी की जान बचाने के लिए पी थी, क्योंकि इस कपूर ने उसके ऊपर पिस्टल रखी थी। रिया बिंद्री, अरे हमारे पास मन्ने तो पहले ही यकीन था कि हमारी बिंद्री ऐसा कर ही नहीं सकती। तन्ने सफाई देने की कोई जरूरत ना है, हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो थारे पे शक किया, माफ कर दो। नहीं दादी। अच्छा जे अभिमन्यु कहाँ है? कपूर ने अनुष्का को किसी काम से बाहर भेजा है, अभी अनुष्का के पीछे ही गए हैं ये पता करने कि देश के साथ गद्दारी करने में कपूर के साथ और कौन कौन है। इतना घटिया इंसान है, कुछ पैसों के लिए अपने ही देश को बेचने चला है। क्या भाभी जी, कर देना औरतों वाली बात, पेट में बात पचा नहीं सकी ना। अब देख लो, अपना मुंह खोलकर तुमने इन सब की जान खतरे में डाल दी। तू क्या हमें मारेगा? तू जैसे कमीने का खेल तो मैं अभी खत्म कर दूंगा। छोड़ दो तेरी, कि तो हमारे परिवार की औरत पे बुरी नजर डाले, उसको मारे धमकी दे, अब करके देख, यहीं पे मार के रेगिस्तान में गाड़ दूंगा तुझे। सार्थक छोड़ दो इसे, ये एक आतंकवादी है, इसका जिंदा रहना ठीक नहीं। इसे पुलिस के हवाले करते हैं सार्थक। ये ऐसे लोग हैं जो पुलिस और कानून से भी बच जाएंगे। सार्थक इसने परिवार की बहू पे बुरी नजर डाली है, मैं इसे जान से मारूंगा आज। सार्थक छोड़ो वरना गोली मार दूंगी। निशा, अच्छा वो तुम सही टाइम पर आ गई, गिरफ्तार कर लो इसको। वैसे भी अभी सबूत लेने गया इसके खिलाफ, और तुम्हारे पास भी तो इसके खिलाफ काफी सबूत होंगे ना, और मैं और अभी इसके खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार। मैंने कहा ना छोड़ो। अरे पहलवान, बहुत दूध बादाम खाया, बड़ी जाने ना तुम्हें, हाँ घूर क्या रहा? नहीं, बहुत गर्मी है तेरे अंदर, गोली अंदर जाएगी ना तो पूरा शरीर ठंडा पड़ जाएगा। बताऊं कैसे? रहने दो राजीव, इस पे गोली बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। ये पूरी फैमिली तो इस तरह से फंसी हुई है
ये बेमौत खुद ही मारे जाए। निशा, तुम भी इस कपूर के साथ? पर तुम तो कम ऑन, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बड़ी आसानी से विश्वास कर लेती हो। अब देखो ना, बिजनेस डील के तौर पे जो अग्रीमेंट साइन हुए, राजीव तुम ही बता दो। अब इस एग्रीमेंट के बाद जैसा हम कहते हैं तुम लोगों ने नहीं किया तो इन्हीं पेपर्स को तुम सबके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। देशद्रोह के इल्जाम में पूरा परिवार जेल में सड़ता रहेगा। नाम, इज्जत, घर, बिजनेस सब खत्म। तुम ये सब क्यों कर रहे हो हमारे साथ? अरे क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने तुम्हारा? कैलाश, आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं। इट्स नथिंग पर्सनल, मैं तो अपना काम कर रहा हूं, इट्स जस्ट माय बिजनेस। अब देखिए, जो आतंकवाद है बहुत बड़ा बिजनेस है, खूब सारा पैसा है इसमें, तो मैं इसे बिजनेस के तौर पे कर रहा हूं। अब आप लोग इसलिए फंस गए क्योंकि मंत्री एस के शर्मा आपके रिश्तेदार हैं। अब जब उन्हें मारना है तो उन तक आसानी से आप में से कोई पहुंचा सकता है ना मुझे? अभी लेकर जाएगा मुझे मंत्री जी के पास? अभी तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा। वाह झांसी की रानी, दांत देनी पड़ेगी तुम्हारे, मेरे निशाने पर पूरा परिवार बुरी तरह फंस चुकी है, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस? वो इसलिए क्योंकि अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लगा था कि इस निशा के साथ मिलकर हम तुम्हारे गंदे इरादों को नाकामयाब कर देंगे। खैर, अब तो ये भी सच पता चल गया, तो अब ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? हम सबको मारोगे? मार दो, लेकिन अभी तुम लोगों का साथ कभी नहीं देगा। मैं साथ दूंगा। जो तू चाहता है वो मैं करने के लिए तैयार। अभी? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम नहीं जानते कि ये निशा है? मैंने सब कुछ सुन लिया, कोई और रास्ता नहीं है। मेरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है, मेरे माँ और बाबूजी मेरे लिए भगवान है, और उनको बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अभी अपने परिवार के लिए इस देश का सौदा बिल्कुल मत करना। हम इस देश के लिए जान देने के लिए तैयार है, कुर्बान होने के लिए तैयार है, लेकिन इससे कभी कामयाब होने मत देना। मां, अगर बात सिर्फ जान देने की है तो मैं अपनी जान खुशी खुशी दे सकता हूँ, लेकिन आप लोगों पे कोई आंच है ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तू जो चाहता है वो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी कि तू मेरे परिवार को कुछ नहीं करेगा? बिल्कुल, मुझे कोई मतलब नहीं लोगों से। जैसे मैंने कहा कि इट्स बिजनेस, एक बार मेरा काम हो जाए फिर मुझे इन लोगों की जरूरत नहीं। क्या करना है मुझे अभी? क्या बस मुझे मंत्री के पास लेकर जाना, और जब तुम मुझे लेकर जाओगे तब निशा यहां तुम्हारी फैमिली के साथ रहेगी। बस एक बार काम हो गया, टीवी पर न्यूज आ गई, उसके बाद तुम हम दोनों का चेहरा कभी नहीं देखोगे।
और हाँ, इस काम के लिए इतना पैसा दूंगा कि खुद को बेकसूर साबित कर पाओगे। अब देखो ना, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, बेगुनाही, इज्जत, सब कुछ। और फिर अपने रिजॉर्ट्स पूरी दुनिया में खोलते रहना। बोलो, मंजूर है? नहीं अभी। माँ बाबूजी को भगवान मानते हो ना, तो जो मैं कह रही हूँ वही करना। शैतान का साथ बिल्कुल मत देना। कुछ जानों के बदले इतने सारे जानों का सौदा मत करना बेटा। इसकी बात का भरोसा मत करना अभिमन्यु, ये मक्कार आदमी है। मुझे मंजूर है। एकदम सही जवाब। अब आप करोड़ों जीत गए और साथ में अपनी फैमिली को भी बचा लेगा। मुझे जाने से पहले रिया से बात करनी है। बिल्कुल। भला मियां बीवी के बीच में आने वाला मैं कौन होता? तो सुना दिया ना तुमने। उस कपूर के साथ हाथ मिलाने के बाद क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? रिया, मैं हाँ नहीं करता तो और क्या करता? तुम जानती हो ना कपूर को, मार देगा वो सबको। मार देता तो मर जाते ना अभी। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, इंसानियत और अपना ईमान बेचने के बाद क्या तुम चैन से रह पाओगे? जिन घर वालों को बचाने के लिए तुमने इतना सब कुछ किया है, उन्हीं की नजरों में हमेशा हमेशा के लिए गिर जाओगे। ना हम में से कोई, ना ये देश और ना ही इंसानियत कोई माफ नहीं कर पाएगा तुम्हें। सर झुकाने से अच्छा सर कटाना होता है, और ये परंपरा है हमारे यहाँ। और तुम इतनी जल्दी कमजोर पड़ गए अभी, वो भी उस घटिया इंसान के आगे। रिया, मुझे कोई और रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। रास्ता तुम्हारे सामने था अभी। करने देते उसको जो करना है, पर तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए था। और फिर क्या गारंटी है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वो हमें जिंदा छोड़ेगा? तुम्हें फंसाएगा वो, देशद्रोही बना देगा, और ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी ना तुम जी पाओगे ना हम। रोज हजारों मौतें मरने से तो अच्छा है ना कि एक ही बारी में मर जाते। रिया, मैं तुम्हारी हर बात समझ रहा हूँ, लेकिन इस वक्त मैं मजबूर हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। रास्ता है तुम्हारे सामने अभी। अनुष्का तो खुद कपूर के हाथों मजबूर है, क्योंकि वो नहीं जानती कि अपना मिशन पूरा होने के बाद वो अनुष्का को भी जान से मार देगा। अभी अगर अनुष्का ने हमारा साथ दिया ना, तो एक आखिरी उम्मीद है हमारे पास कि हम सबको बचा सकते। या मुझे नहीं लगता कि अनुष्का कपूर के खिलाफ जाएगी। कोशिश तो करनी चाहिए ना अभी। मैं बात करूंगी अनुष्का से एक आखिरी बारी से, प्लीज एक आखिरी कोशिश। रिया, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। रिया, मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती, मैं बाद में बात करूंगी। बात बहुत जरूरी है अनुष्का। रिया प्लीज, मैं अभी बात नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी माँ से मिली थी, उनका मैसेज भी नहीं सुनोगी? तुम ये क्या?
पैसों पर उन मासूमों का खून लगा है अनुष्का। तुम कब मिली मेरी माँ से? क्या मैसेज था? हॉस्पिटल से तुम्हारी माँ को छुट्टी मिलने वाली है, पर खैर मुझे नहीं लगता कि तुम उन्हें कभी भी मिल पाओगी, क्योंकि कपूर का जैसे ही मिशन खत्म होगा वो तुम्हें तो मार ही देगा। फिर क्या होगा उनका अनुष्का? कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मिस्टर कपूर ने खुद मुझे प्रॉमिस किया है कि ये मिशन खत्म होते ही वो मुझे आजाद कर देंगे। तुम्हें अभी भी उम्मीद है उससे? बहुत साल काम किया है ना तुमने उसके साथ, तो जरूरत से ज्यादा जानती होगी उसको। तुम्हें ऐसा लगता है अनुष्का कि कपूर अपना मिशन खत्म होने के बाद तुम्हें आजाद छोड़ देगा, ये जानते हुए कि उसके लिए सबसे बड़ा खतरा तुम हो? तुम अच्छे से जानती हो अनुष्का कि वो तुम्हें मार देगा। अनुष्का, कहते हैं ना, बुराई का साथ देने वाले का कभी भला नहीं होता, और भलाई का साथ देने वाले का कभी बुरा नहीं होता है। तुमने आज तक अपनी जिंदगी में सिर्फ बुराई का साथ दिया, आज एक बार सच्चाई का साथ देकर भी देख ले। तुम अच्छे से जानती हो अनुष्का कि तुम और तुम्हारी माँ इस दुनिया में चैन की सांस सिर्फ तब ले सकते हैं जब मिस्टर कपूर सलाखों के पीछे होंगे। और ऐसा तभी पॉसिबल है अगर तुम हमारा साथ दो। रिया, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, इस वक्त के लिए यहाँ से चली जाओ। अगर मिस्टर कपूर ने हम दोनों को बात करते देख लिया ना, तो ये रात सबके लिए आखिरी रात होगी। तुम चलो। एक मिनट, फैसला तुम्हें करना है अनुष्का कि ये रात आखिरी किसके लिए होगी, हमारे लिए या फिर उस कपूर के लिए। एक बात याद रख, इस वक्त निशा तुम्हारे घर पर तुम्हारी फैमिली के साथ है। अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो एक साथ इतनी लाशों को कंधा नहीं दे पाओगे। अब आप सब आराम से बैठिए, ये डेटोनेटर ऑन कर दिया है मैंने। वो क्या है ना, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं। अगर आपके बेटे ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मुझे मारना पड़ेगा ना आप सबको। तुम कभी कामयाब नहीं होगी, कभी नहीं। ये सब क्या हो रहा है? रिया देखो ना, अभी ने तुम्हारी शर्त इसलिए मानी है कि तुम उसके परिवार को कुछ नहीं करोगी। हाँ तो कुछ नहीं होगा, अगर प्लान के मुताबिक सब कुछ गया तो किसी को कुछ नहीं होगा। ये तो तब के लिए अगर प्लान फेल हो जाए। वो क्या है ना, वहां पे तुम्हारा पति चुकेगा और यहाँ पे उसकी पूरी फैमिली। तुम खुद अपनी आंखों से ही देख लेना, एक झटके में सब खत्म। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.